ओके okay. आपको चूज करना है वेदर द ऑप्शन ए डी और बी और सी विच वन इज द करेक्ट वन ओके सो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है अगर आप समझेंगे लोथ तो लोथ का मीन होता है रिलकटेंट व्हाट इज द मीन ऑफ लोथ लोथ मीनिंग इज रिलकटेंट टू समथिंग और या इसके दूसरे वर्ड्स में बोल देते हैं अनविलिंग दूसरे वर्ड्स में इसको क्या समझ सकते हैं हम अनविलिंग अब देखिए जबकि बात है ईगर की तो ईगर का क्या मतलब होता है कि जिस चीज की हमें ईगर होती है उसे तो मैं करना चाहता हूं वो तो मेरी विल होती है तो ईगर इज रिलेटेड टू विल तो इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों का कनेक्शन कैसा हो गया ये दोनों एक दूसरे के हो गए अपोजिट अब लोथ और ईगर के बीच अगर अपोजिट का कनेक्शन है तो मुझे लिंपिड का देखना है कौन सा यहाँ पे अपोजिट वर्ड होगा सो वॉट इज द मीन ऑफ लिंपिड लिंपिड एक्चुअली यूज होता है क्लियरिटी के लिए सो इट्स मीनिंग इज क्लियर क्लियर कब क्लियर इज द एक्सप्रेशन व्यू ऑफ एक्सप्रेशन अगर आपके क्लियर है तो वहां आप लिंपिड यूज कर सकते हैंड राइटिंग अगर आपकी क्लियर है तो वहां पे आप लिंपिड वर्ड यूज कर सकते हैं ओके सो डेफिनेटली क्लियर का जो कनेक्शन होगा वो कनेक्शन मुझे कौन सा देखना है अपोजिट वाला तो कनेक्शन जो है अनकलियर का या मैं कहूं लिंपिड का जो होने वाला है वो हो जाएगा किसके साथ